हॉटस्पॉट दे माझ्या कडे नेट आहे चल जगह का नाम बोलो अभी भाई यार पब्लिक को बताने का मतलब है पब्लिक इधर आएगी वो गंदा कर अरे गंदा मत करना आप लोग यार ये फिर नहीं सही है जगह का नाम है पहले ही कह देता हूँ ये वीडियो इसके लिए जिसको शहर के शोर शराबे से दूर जाना है अगर आपको शहर का शोर शराबा पसंद है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं मैं रोज की मशीन वाली लाइफ से परेशान हो गया था तो मैंने मेरे फ्रेंड विशाल को कॉल लगाया मैंने बोला ब्रो पहाड़ के उस पार की दुनिया में चलते तो उसने मुझे एक लोकेशन सजेस्ट की जो कि मुंबई से एक या दो घंटे के डिस्टेंस पे थी मेरा क्या मैंने मस्त बैग उठाया और निकल गया मैंने मस्त फिर अहमदाबाद से लोकशक्ति एक्सप्रेस पकड़ी 8:45 की जो कि मस्त मुझे मुंबई 4:30 बजे तक पहुंचा देगी तो मस्त सोते हुए मेरा सफ़र हो गया फिर मैं बोरीवली पहुंचा 4:30 बजे मैंने अपने फ्रेंड अनूप को बुलाया था बिकॉज मेरे को जाना था कैंपिंग में दोपहर को तो मैं सुबह क्या करता था सुबह मैंने प्लान किया कि फ़ोटोशूट कर देते तो मैंने अनूप के साथ मिलके फ़ोटोशूट किया तो अभी फाइनली मुंबई आ गए बारिश आ गई भाई थोड़ी देर अभी हम लोग एक जगह पर रुक गए देख सकते हो आप हमारी हालत तो अभी है हम लोग शूट करने वाले पूरा लेके आए तो थोड़ा फोटोशूट वगैरह करेंगे और अनूप को नहीं जानते रहोगे अनूप नहीं जानते भाई तो जानो जान जाओगे आप अभी दिन की शुरुआत इधर से हुई अभी देखते शूट करके कैसा जाएगा और कैंपिंग के लिए मैं जाने वाला हूँ तो देखते हैं क्या सीन है पता नहीं अभी शूट करते पहले कैसा आता है देखते हैं तो यहाँ पर अपने मेहुल भाई स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे चाय की थैली नहीं खुली जा रही है बाकी सब चीज़ खोल देते अपने भाई समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना क्या खोल दे बाकी सब कुछ खोल देता है भाई मेरा सटीक चीजें नहीं खोल बस चाय की थैली नहीं खोल पा रहा है देख सकते हो जो डायरेक्ट दिखता है खोल लेते हैं ऐसा तो तू भी माहिर है खोलने में ये फंस गया गलत समझ रहे भाई लोग यहाँ पे बारिश का सीजन मस्त चाय और हम शूट करने वाले 6.5 hours later फोटोशूट कंप्लीट करते हुए सीधा मैं पहुंच गया नाला सोपारा और नाला सोपारा से हम निकले अपने एक्चुअल लोकेशन पे जहां से हमें विशाल मिलने होता तो विशाल की बाइक पे बैठ के हम निकल गए एक्चुअल लोकेशन की ओर तो अभी हम कैंपिंग के लिए निकल चुके हैं मैंने जैसे कि आपको बोला था अभी हम लोग एक्चुअली कौन सी लोकेशन पे आ रहे हैं मैं रिवील नहीं करूंगा विशाल बोलेगा विशाल कौन सी लोकेशन पे आ रहे हैं भाई लोकेशन तो यार मैं भी रिवील नहीं करूंगा लोकेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा वेट करना बहुत खूबसूरत है दिखाएंगे आपको तो वेट करना पड़ेगा और तीसरे बंदे आपको पता है हमारे साथ कौन है मेहुल भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस पीछे मजा आया एक नंबर तो अभी देखते अभी स्टार्ट हुआ है सफर अभी अलग अलग एंगल दिखाते हैं आपको और हमारी बाइक देख सकते हो आप ये हमको यहाँ तक लेके आ चुकी है और यहाँ पे कुत्ते थोड़े हमें सूंघ रहे के बाहर का तो बंदा नहीं है देखते अभी बस भाई इधर का ही हूँ मैं लोकल है लोग तो यहाँ पे विशाल भाई अपना सेटअप करते हुए क्या लगा रहे हो विशाल भाई भाई फिलहाल तो माइक लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी आवाज आए शाबाश बेटा बात सही है एंड दूसरा ये अपना 360 एक्शन कैमरा है उसका सेटअप करे तो आपको व्यूज वगैरह ना मस्त मिलेगा अभी और दूसरा कैमरा तो रिवील करो विशाल भाई यार भाई दूसरा कैमरा करेंगे रिवील उसके लिए थोड़ा सा वेट है ये तो हमारा सेकेंडरी कैमरा है विशाल भाई का विशाल भाई ने अभी और एक कैमरा लिया है वो अभी रिवील करेगा जल्दी आपको उसके भी शॉट्स मिलेंगे और दूसरा मेरे पास तो पता है अभी शूट कर रहा हूँ आईफोन से कर रहा हूँ और दूसरा सोनी का कैमरा मेरे पास वो देखते हैं अभी सेटअप होता है फिर आपको व्यू दिखा दे कि किधर जा रहे हैं एक्चुअल में और हमारे मेहुल भाई कैसा लगा पीछे बैठ के एक नंबर वो पहाड़ पहाड़ कैसे दिख रहे थे रास्ते में बस ना अभी यहाँ पे किधर जाना है इधर ही रह लेना है क्या बात है तो दुकान इधर था इधर से खरीदी किए थोड़े और अभी जा रहे तो लेट्स सी अभी निकल चुके हैं वहाँ से जहाँ पे स्टॉपेज लिए थे शायद अभी जा रहे सीधे सीधा बस वगैरह दिख रही है मस्त क्या दिखा रहे मैप पे तो आधा घंटा ओके
लेट्स सी गांव का व्यू आप देख सकते हो, बहुत मस्त है, ब्यूटीफुल सा। यहाँ से लेफ्ट लिया सीधा सीधा, बड़े वो कौन सा, बड़े आराम से माचो, अमूल माचो, अमूल माचो बड़े आराम से, यही बोलते हैं उसका नया वाला सुना क्या, अमूल माचो चड्डी खोल के नाचो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अरे भाई भाई ऐसा मत कर, नाचो पर कमरे बंद कर लो, लाइट वगैरह थोड़ा। नहीं तो घर में ऐसा नहीं करता। ओ भाई साहब भाई साहब जाने वाले इस। भाई गाड़ी में दम तो है, तीन तीन बंदों को बैठा के इतना लगेज रख के आराम से निकल जाती है। भाई साइड देना, भाई साइड देना, साइड देना जरा, थोड़ा सा टर्निंग रेडियस कम है। जा 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 जा। तो फाइनली हम आ गए लोकेशन पे, वो दिखाता हूँ पीछे, ये रही लेक ब्यूटीफुल सी, और हमारा पहाड़, बहुत ऑफ रोडिंग करनी पड़ी उसके बाद यहाँ पे आए। देख सकते हो अभी टेंट हम लोग लगा रहे हैं, सामान इधर इधर फेंक दिया है, तो अभी टेंट लगाते हैं और बाकी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा नियर जाके भी, और ड्रोन शॉट भी दिखाएगी आपको। देखते मौसम साथ दे रहे, बस अभी तक तो साथ दिया है उसने, आगे भी होप साथ दे दे मौसम, मौसम ध्यान देना हमारा। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो फाइनली हमने टेंट लगा दिया और आप देख सकते हो हमारा टेंट, दोनों ने बहुत मेहनत की, मैंने सिर्फ थोड़ी सी ऊपर ऊपर से हेल्प की और थोड़ा शूट करने में मदद की, बाकी दोनों की मेहनत है भाई, दो जन ने मस्त टेंट लगाया आप देख सकते हो, और हमारा व्यू पीछे पहाड़ और ये लेक आप देख सकते हो बहुत सही। अभी ड्रोन उड़ाने का सोच रहे क्योंकि टेंट वेंट लगा दिया, बिकॉज लाइट कम हो रही है, तो हम सोचते ड्रोन उड़ाते, और फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई नहीं है इसलिए जगह मेरे को बहुत पसंद है। तो आपको जगह का नाम बताया नहीं था, विशाल जगह का नाम बोलो। अरे गंदा मत करना आप लोग यार, ये फिर नहीं सही है। का नाम है लोहापे लेक, लोहापे लेक खूबसूरत है, कोई आ भी रहा ना तो प्लीज गंदा मत करना। हाँ यार नेचुरल ब्यूटी है, मेंटेन रख, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा यार, आप फिर बहुत लोग आ जाओगे यहाँ पे, फिर पूरा नेचर की वाट लगा दोगे, फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए आप आओ तो देखना, नेचर का ध्यान रखना तो आपका वो ध्यान रखेगा क्या। हाँ भाई पेड़ वेड़ लगा के जाना, वो बोल रहे हैं अंदर से, और बाकी मेरे दोस्त लोग से बात करते थोड़ा अभी, उनका क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग ने सेटअप कर दिया है, लगा दिया है सब कुछ टेंट वन, और मैंने नहीं इन लोग ने किया है, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, और ये चेयर देख सकते हो, मैं इनको माइक दे रहा हूँ, ये थोड़े गुस्से में है, क्या हाल चाल। बस बढ़िया आप बताओ। और विशाल भाई ला रहे हो बीवी को इधर। विशाल भाई क्या करने वाले हो अभी आप? फिलहाल भाई टेंट तो सेटअप हो गया है, थोड़ा टेंट की क्लीनिंग कर लेते हैं और ड्रोन को उड़ाते भाई अभी यहाँ पे। तो अभी प्रायोरिटी वर्क हमारा वही है कि ड्रोन को उड़ाया जाए जल्दी से जल्दी, लाइट कम है, यूज अच्छा है इसके लिए। तो मेहुल भाई ने पूरी सफाई कर दी है, थैंक यू मेहुल भाई, तो स्पेशल थैंक्स टू मेहुल भाई, रियल अप्रिशिएटेड ब्रो। बस 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 भाई रुक जा, भाई रुक जा भाई। मेहुल भाई पैसे मांगते हुए लेकिन कोई दिक्कत नहीं,
मस्ती मजाक होते रहते। आप ये व्यू देखिए मस्ती मजाक के चक्कर में, आप व्यू मत मिस करना, व्यूज देखिए आप, बहुत ही मस्त है। देखा रहेगा आपने कैसा लगा, और अभी हम सोच रहे टेंट सेटल कर देते हैं और खाना पीना बनाते हैं कुछ, या कॉफ़ी वगैरह जो भी है। तो अभी अंदर कुछ सेटअप करते हैं, तो हमारे बेस्ट कुक है यहाँ के विशाल भाई, बनाते भाई कुछ तो अच्छा बनाते यार, मौसम बहुत खूबसूरत हो रखा है तो कुछ तो बनाते हैं। तो ये विशाल लास्ट टाइम कॉफी पिलाया था उसने भाई, एक नंबर थी, तो इस टाइम भी देखते थोड़ा नीचे तो कर कैमरा। विशाल भाई क्या बनाते इस बार? भाई इस बार बनाते अच्छा बनाते, कुछ तो मस्त बनाते, सिंपल बनाएंगे, उतना कुछ ज्यादा नहीं, बट अच्छा बनाएंगे, मजा आएगा। वेदर देखो आप, वेदर देखो आप भाई, बहुत मस्त है, मस्त। शाम के 6:30 हो रहे, मस्त अभी रात होने वाली है और सेटअप हो गया मस्त। आप भी कैंपिंग करने आओ ना तो शाम होने के पहले ही आ जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि रात के पहले कैंपिंग कर लेना। 5 minutes later अमेजिंग क्लैरिटी यार, है अब तो ठीक है। ये कितने है? 12 स्कैनर दे, हां स्कैनर दे, बाय बाबू। रेंज का प्रॉब्लम है ना इकडे, गडबड है, हॉटस्पॉट दे बे। ए बाबू आए माझ्याकडे नेट आहे, ये तो नंबर से कर ले, नंबर है, नंबर है, हां नंबर ला, नंबर से ऐड कर दे। इंग्लिश हिंदी इंग्लिश 3 2 4 5 7 7 7 7 7 7 चाय पत्ती नहीं, कॉफी है मजा। तो अभी निकल रहे हम लोग ने शुगर ले लिया, तो भाई शक्कर मिल गया हमें, एंड नाउ वी आर लिविंग थैंक्स की यहाँ पे शॉप है। तो लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो यहाँ पे वी वर नॉट अवेयर कि यहाँ पे शॉप भी है। सो नाउ इट्स वेल यार, गांव अच्छा, पूरा गांव है, तो आप पे करके ना तो आप पे।
हाउ दिस इज वर्क. यहाँ पे ऐसे सिट करते हैं. दिस इज हाउ इट गोस. यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे लॉक है. एक ऐसे लॉक में बैठा देते, दूसरा लॉक इसमें बैठाते और तुरंत बंद करते, नहीं तो लीक होगा गैस. अभी यहाँ से चालू किया, लाइटर मारना है बस. तो अगर आप पहली बार कभी कैंपिंग कर रहे हो तो आप सीख सकते हो ये चीज़ें. लाइटर का थोड़ा सा ये फ्लेम बढ़ा देना ताकि दूर से हो जाए. अभी से बजवानी शुरू, वो जल जाएगा, सब उड़ जाएगा. देख ये हो गया हमारी गैस चालू और अब मस्त बढ़िया सी कॉफ़ी बनाएंगे हम. यहाँ पे हमारी कॉफ़ी तैयार है, विशाल भाई ने बनाई है. अभी टेस्ट कर रहा हूँ. लास्ट टाइम तो बहुत बढ़िया थी, इस टाइम देखते हैं. भाई साहब ये कॉफ़ी दुकान पे नहीं मिलेगी आपको ऐसी, जो बोलते हैं ना प्रॉपरली एकदम बोलते हैं ना बेस्ट कॉफ़ी, और स्ट्रांग एकदम बनाई है ना भाई ने, गजब है. क्या था नाम, मेहुल दिखे नहीं कि तेरे अंदर मुंह बड़ा रहे था. मेरी जाली से हवा बाहर है. मेहुल भाई तो अलग ही खाते हैं. Six and a half hours later. तो गुड मॉर्निंग, सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है. हम सब उठ गए तो अभी सोच रहे थोड़ा नाश्ता करें और आपको बाहर का व्यू दिखाई देता हूँ. आगे से बंद किया क्योंकि बारिश आ रही है बहुत तेज से, तो एयर फ्लो बहुत ज़्यादा है. पीछे से भी निकल रहा हूँ, अभी आपको व्यू दिखाता हूँ. देख सकते हो तो सुबह का 6:30 बजे का ऐसा कुछ व्यू है. बहुत मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है. और ये घास है, मस्त घास पे चल रहा हूँ. तो रात तो बहुत अच्छी गई, डे देखते हैं भाई कैसा जाएगा. तो भी थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं बारिश नहीं हुआ तो ड्रोन फिर उड़ाएंगे. So guys, this is how we wash our dishes.
गाइस जैसे कि आप देख सकते हो सुबह हो गई है, मैंने आपको दिखाया था। तो अभी बारिश हल्की हल्की हो रही थी, अभी बारिश चली गई है, तो हम लोग ने थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया, मैगी खा लिया। और अभी ये सुबह का व्यू है, 7 बजे का। आप देख सकते हो हमारे साथ डॉगी भी है हमें देखते हुए, और यहाँ पे भैंस वगैरह चल रहे हैं मस्त। एकदम फील आ रहा है कि भाई किधर और ही जगह आ गया मुंबई से दूर एकदम। तो गजब का नज़ारा है। अभी देखते बारिश नहीं हुई तो हम ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे। बाकी हम लोग ने खा पी लिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया, और अभी व्यू देख रहे हैं मस्त। यार सुबह सुबह क्या देख रहे हो, दिखाओ। अच्छा स्टंट वन। तो आकाश भाई कैसा लग रहा है? भाई जैसा लग रहा है मुझको कि भाई जन्नत में आ गया हो भाई। जन्नत इसको भी बोलते हो, मेरे को लग रहा है बहुत मस्त लग रहा है। शहर के शोर शरारों से एकदम दूर, पक्षियों की चरचराहट में भाई क्या बोलते हैं मस्त यार। मतलब मुझे तो पंछियों की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है, और मुझे लगता है यार जो लोग व्यूअर्स जो अपने देख रहे हैं ना, जो भी अपने सब्सक्राइबर से देख रहे हैं, उनको भी मतलब बहुत ही अच्छे से ये नेचुरल साउंड आ रही होगी, होप सो। और बहुत सही लग रहा है भाई, कमाल का लग रहा है। अभी जाना कहाँ है ये नहीं पता, दो रास्ते है क्योंकि यहाँ पे वायर्स गए हुए हैं, तो अंदर लोग रहते हैं, तो यहाँ से एक रास्ता जाने का, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं। सामने तो ये बंद है, मतलब यहाँ से कोई जाता नहीं है। चलो ओ ओ वापस जाना चाहिए। हाँ ये तो है, रुक जा तू, अभी चल नीचे जाके आते हैं ना घूम के भी। जब आ गए तो आ गए नीचे उधर। हाँ हा, बढ़िया बढ़िया। ओ ओ, 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 ओ सही है ये, आई थिंक इसके लिए है मोटर, खेती करने के लिए छोटू सा खेत में। पीछे खेत है ना देख सकते हैं। अभी हम लोग एक्सप्लोर करते करते, मैं पीछे वाला आपको लेक दिखाया था ना, लेक वाला पार्ट यही है। तो अभी यहाँ पे जो ओनर थे उनसे हम लोग ने बात किया, तो बोले कि हमारे जैसे नेचर लवर आते हैं यहाँ पे पार्टी करते एंजॉय करते, तो बोले कि अभी घास ज़्यादा हो गया नहीं तो और अच्छा दिखता है। तो आप देख सकते हो फिलहाल के लिए घास है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लेक है, लेक के यहाँ पे बोट है, आप फिशिंग वगैरह यहाँ पे वो करते हैं उन लोग। आप देख सकते हो, नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। तो फिशिंग करने के लिए बोट है, एक जन जाएगा मस्त और फिशिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी तो आप देख ही रहे हो फील्ड है, और उस पार भी मतलब घर दिख रहे मेरे को एंड में, और पहाड़ वाला व्यू है मस्त। तो गाइस एक सीन हो गया हमारा, ड्रोन उड़ा रहे थे मॉर्निंग में, शॉट ले रहे थे, बैटरी मतलब ठीक ही थी, हम लोगों को लगा आ जाएगी, पर हम लोग कैसे शॉट के नशे में या बोल सकते हैं शॉट में इतना हम लोग घुस गए कि हम लोग आगे जाते गए जाते गए 2-3 किलोमीटर आगे उड़ा दिया, और 500 मीटर हाइट पे उड़ा दिया। तो हमें ध्यान ही नहीं रहा कि रिटर्न आ पाएगा कि नहीं आएगा, तो ड्रोन हमारा वापस नहीं आ पाया। और अभी कैसे उसका भी बैटरी लो है, तो दिक्कत है कि ढूंढे कैसे अभी, तो ये प्रॉब्लम में आ गए अभी हम लोग। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी उसमें बैटरी कम है, देखते ड्रोन मिल जाए, आई होप क्रैश लैंड नहीं हुआ है अभी। देख सकते हो विशाल ढूंढ रहा है भाई साहब। अच्छी बात यह है ना कि क्रैश लैंडिंग नहीं हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, बट वो पानी में गया है, आई थिंक वो एक राइस फील्ड था, राइस फील्ड में लैंडिंग हुई है। तो राइस फील्ड अभी ढूंढ रहे हैं हम लोग, अभी पूरा जंगल है, अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है कुछ किधर जा रहे गाइस। फिलहाल देखो यहाँ पे हम है ड्रोन अपना यहाँ पे, तो अपने को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इस जंगल वाले रास्ते से हम जा रहे हैं, जा रहे हैं जो आप देख पा रहे हो ड्रोन को ढूंढते ढूंढते भाई। ये दिस इज फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने 3-4 बार उड़ाया ड्रोन, दिस इज फर्स्ट टाइम कि थोड़ा सा ईगो के चक्कर में बोलूंगा कि
ड्रोन को कहीं ऐसी जगह पे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आप भी ध्यान देना गाइस, ध्यान देना, ध्यान ये देना कि भाई वार्निंग आई वापिस बुला दो चुपचाप, रिटर्न टू होम का बटन। कितना कितना भी आ रही है, कितना भी अच्छा व्यू क्या आकाश तो देख के नीचे पैर भी फंसे किधर पे छाता या छाता भी देख जल्दी जल्दी में नहीं लिया ब्रो। यही कहीं लैंड हुआ है, यही कहीं लैंड हुआ है, आगे थोड़ा सा और है। इधर राइस फील्ड आ गई ना, अपन देख रहे थे ना राइस फील्ड। हाँ अभी ढूंढते तीन भी रख दबाया तू चल। तो गाइस अभी राइस फील्ड दिखा रही है लास्ट लोकेशन ड्रोन की, तो विशाल भाई को भेज दिया मैंने अंदर। देख के भाई सीधा सीधा जा राइट भाई, दिख गया। तो फाइनली ड्रोन मिलता हुआ, दिख गया मेहनत सक्सेस। मिल गया ड्रोन फाइनली, नहीं तो हमारे पैसे की लग जाती। भाई तू भी अंदर से आ जा और वहां से भी जाके बाइक पकड़ लेंगे। तू पकड़ेगा? आता हूँ मैं। ड्रोन इतना ढूंढने के बाद मिल गया भाई, मिल गया। और जान में जाना है भाई, 1.5 लाख का ड्रोन। अच्छा क्रैश नहीं हुआ, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की वहां तो नहीं पहुंच सकता, तो किसी जगह फील्ड पे यहाँ राइस फील्ड में उसने ढूंढा अपने हिसाब से और लैंड हो गया। तो अभी जाता हूँ मैं भी, क्रॉस करता हूँ ब्रो। तो आकाश भाई भी अंदर आ रहे हैं, मैं भी अंदर जा रहा हूँ क्योंकि अभी उतना जैसे आया वो रस्ते से नहीं आ रहा है। नीचे नीचे डाउन, वैसे नहीं वैसे डाउन 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 और डाउन। हाथ हाथ जमीन पर रख, हाथ दोनों जमीन पर रख, और डाउन और डाउन। ये पैर फंस गया मेरे, ग्रेट फाइनली निकल गए। करने का अब यहाँ पे पैकिंग कर रहे, मेन जो गैजेट थे पहले अंदर रख दिए इसमें, और अपना ड्रोन, ड्रोन का बैग है और हेलमेट, तो हेलमेट है और बाकी कैंपिंग के सारे गियर्स, किचन के जो भी सामान है सब भी बैग में, और टेंट का सामान जो है इसमें आएगा। सब धीरे धीरे अनपैक कर रहे और आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूंगा। विशाल भाई निकलना है, अनपैक नहीं करे ब्रो, पैक करे, पैक करे, पैक। सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली मैं अभी भी नशे में हूँ लग रहा हूँ ये जगह को देख के भाई, मेरे को पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ ही गए रहोगे भावनाओं मेरी। पैक कर रहे थे तो विशाल भाई निकलने का अभी भाई, फटाफट पैकिंग करते यार, पैकिंग करके निकलते, तुमको जाना भी है ना अहमदाबाद जाना भी। तो बाहर का कुछ ऐसा व्यू है मस्त, अभी 9 बज रहे, लग ही नहीं रहा है 9 बज रहे, और आपको दिखाया भाई गजब सीन हुए थे हमारे साथ। तो अभी टेंट हमारा बंद करने वाले और बाइक से निकलने वाले, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और कौन सा पार्ट ब्लॉग का अच्छा लगा, और आप चाहते हैं हम अगेन ऐसी नेचुरल प्लेस पे जाए और नई जगह आपको दिखाए तो आप ज़रूर बोलना। और ये विलेज का नाम है लोहापे, और जो सामने लेक दिख रहा है आपको लोहापे लेक बोलते हैं, अगर आप आओगे तो गूगल मैप पे सर्च करके आ सकते हो। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के लोग, विलेज वाले लोग जो है जिससे हम मिले थे। तो स्टे ट्यून। तो अभी पैकअप कर रहे, टेंट निकाल देंगे, मस्त निकलेंगे, और आपको ड्रोन वाला सीन दिखाया। वो ऐसे होती रहते भाई सीन, अभी मेरे को भी आइडिया आ गया ड्रोन वाला सीन, अभी देखते। आप भी ध्यान रखना, आगे ड्रोन लेके आओ, वार्निंग दे तो भाई जरूर फॉलो करो, नहीं तो भाई ड्रोन से हाथ खोना पड़ सकता है आपको। ये तो अच्छा था प्लेन एरिया, वहाँ पे ड्रोन गिराने तो पेड़ बीड़ पे होता तो सीन हो जाता भाई निकालने में। तो अभी निकल रहे हम लोग, और आपको ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने देखा इतना सिंपल नहीं होता है कैंपिंग, थोड़ा हार्ड होता है, तो आप देखा, आपने देखा एक्सपीरियंस हमारा। तो आप भी कभी आओ तो ये चीज़ें ध्यान रखना, और जो जो चीज़ें लेके आनी होती है वो सब लेके आना, भूल मत जाना, क्योंकि रिमोट एरिया होता है यहाँ पे, मतलब मिलता नहीं, मुश्किल होता है। तो स्टेडियम अभी निकलते और बाकी लोग से आपसे बात कर रहा था, फिर ब्लॉग का एंड कर दे। तो अभी फाइनली हमारा कैंप हटाते हुए, और अभी हम जा रहे घर पैकिंग करते हुए, अभी हम तो जा रहे अहमदाबाद, और यहाँ पे हमारे विशाल भाई रेडी है। क्या बोलता है विशाल भाई? भाई 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 चलते अभी, एक्चुअली काफ़ी मज़ा आया यार, खूबसूरत लोकेशन है, आकाश भाई दिखा भी देंगे, जैसा नेचुरल था वैसे छोड़ के जा रहे हैं, कुछ गंदगी नहीं करे भाई। बाइक के पीछे दिखाओ, कचरा अपने हाथ में देख सकते हो आप, जो भी हम लोग ने गंदगी फैलाई थी ले लिए, और खाली प्लास्टिक की बॉटल भी ले लिए,
और निकल रहे। अगर आप आओ तो भाई गंदगी मत फैलाना, पहले ही बोल रहा हूँ, इतनी अच्छी जगह है। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई फिर आऊंगा यहाँ पे, मजा आएगा। ठंडी में सोच रहा है फिर वापस एक दो मंथ के बाद टाइम मिलेगा तो फिर आऊंगा, तब तक के लिए नेक्स्ट लोकेशन दिखाऊंगा। तो मेहुल भाई आ जाओ इस साइड, ये साइड आ जाओ। तो विशाल भाई ब्लॉग एंड कर दे, ठीक है भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और ऐसे अमेजिंग प्लेस के लिए घंटी बजा देना। बाय, बजा देना।